ये स्मार्टफोन सबका नया फेवरेट और एक एस्पिरेशन बन चुका है। जिस तरह पहले एक आईफोन सबके लिए एक फेवरेट हुआ करता था, एक एस्पिरेशन हुआ करता था, हर किसी को आईफोन चाहिए था, वो इस फोन ने चेंज किया है। ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। सभी यूट्यूबर्स रिव्यूअर्स ने इस फोन को काफी ज्यादा प्रेज किया है, पसंद किया है। तो क्या इस फोन में कोई भी कमी नहीं है? क्या ये परफेक्ट है? ऐसा नहीं है, खूबियां है तो खामियां है, और वो खामियां क्या है खूबियां, वो मैं आपको बताऊंगा इस सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के डिटेल्ड रिव्यू में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस फोन में पसंद आई है। और पहली चीज है इसका डिजाइन। कमाल के डिजाइन के साथ ये आता है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम टैग भी है प्राइस का। लेकिन ये फोन आपको कॉन्फिडेंस जरूर देता है। आप इस फोन को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि एक स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है, मेटल फ्रेम है, फ्रंट एंड बैक दोनों ग्लास है, और दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। और साथ ही ये IP68 रेटेड है, तो पानी के अंदर अगर इस्तेमाल करना चाहे, आप वीडियो शूट करना चाहते हो, वो इस पर आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी है, और लगभग 3 महीने की यूसेज के बावजूद भी यहाँ पर कोई मेजर डैमेज मुझे देखने को नहीं मिला है। जबकि सच बताऊं तो मैंने इसे बिना कवर और बिना डिस्प्ले प्रोटेक्शन के इस्तेमाल किया है, बावजूद उसके कोई भी मेजर डैमेज यहाँ पर नहीं है। सो अगली चीज जो मुझे इस फोन में पसंद आई है वो है इसका ये एस पेन। अब ये जो एस पेन है ना, ये बहुत ज्यादा इसके एक्सपीरियंस को अल्ट्रा कर देता है। आप इस पर इमेजेस एडिट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट एडिट कर सकते हैं, आप PDF पे कमेंट्स कर सकते हैं, उन पर साइन कर सकते हैं। तो मतलब आपका जो ये डॉक्यूमेंट वाला काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी कर सकता है। और साथ ही अगर आप डिजिटल आर्ट में हैं, आप डिजिटल आर्ट सीखना चाहते हैं या फिर पहले से करते हैं और एक बड़े स्क्रीन के डिवाइस को कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो इजीली कर सकते हैं। मैंने भी कुछ डिजिटल आर्ट यहाँ पर किया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, इसकी वजह से क्या होता है कि मैं दूसरी एक्टिविटीज जैसे इंस्टाग्राम हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इनसे थोड़ा सा दूर होकर के एक क्रिएटिव काम कर पाता हूँ। और साथ ही ये जो एक्सपीरियंस है एस पेन का, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि जो उसका रिस्पांस है, टच रिस्पांस, और साथ ही जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है, और बहुत ही ज़्यादा जो उसका फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप एक स्क्रीन पर एक एस पेन या फिर आर्टिफिशियल पेन या फिर एक डिजिटल पेन से काम कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहता है। और साथ ही कुछ एयर जेस्चर्स भी हैं, जिसकी वजह से आप जो एस पेन है उसको हवा में मूव करके जेस्चर्स बना करके फोन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक वो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते होंगे, बट ओवरऑल अल्ट्रा एक्सपीरियंस जो है वो एस पेन डेफिनेटली देता है। इस फोन का जो कैमरा सेटअप है वो बहुत ही कमाल का। यहाँ पर आपको जो 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, उससे आप बहुत ही डिटेल, शार्प, कमाल की फोटोज ले सकते हैं, बहुत ही नेचुरल लुकिंग। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो है इसका 10 megapixel 3x ऑप्टिकल जूम। इससे जो पोर्ट्रेट्स निकलती है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक, बहुत ही ज्यादा DSLR टाइप वाली डेप्थ जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस टेलीफोटो लेंस को अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ किसी भी पोर्ट्रेट को लेने के लिए, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, फोटोज का आउटपुट काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। आगे चले बात करें इसके 10 megapixel पेरिस्कोप लेंस की, तो उससे आप बहुत ही दूर के सब्जेक्ट की फोटोज ले सकते हो, काफी दूर की, चांद की फोटोज भी ले लेता है। लेकिन वहां पर कहा गया कि वो ओवर प्रोसेस्ड है, बट आज ओवर प्रोसेस्ड क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्डवेयर, राइट? कॉमेंट डाउन बिलो। खैर, जो ओवरऑल इमेजेस हैं काफी अच्छी निकल के आती है, चांद की फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं, तो इमेजेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करें अगर वीडियोस की, तो यहाँ पर आप 8K at 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं, जो स्टेबल है, अच्छी दिखती है, चाहे दिन में शूट करें चाहे रात में शूट करें। और मेरे कई सारे टेस्ट में वो iPhone 14 Pro Max को भी बीट करती है। सो ओवरऑल कैमरा सेटअप मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इस फोन का डिस्प्ले अभी भी एक 8-bit पैनल ही है, आपको यहाँ पर कोई भी 10-bit पैनल देखने को नहीं मिलता है। बट बावजूद उसके जो कलर्स हैं, जो विविडनेस है डिस्प्ले की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। डिस्प्ले जो है काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती है, तो अगर आप इसे आउटडोर इस्तेमाल करते हैं, तो बावजूद उसके काफी तेज धूप भी पड़ जाए, तब भी ये डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती है, और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल दिखता है। तो आपको पता लगता है कि एक अच्छी प्रीमियम डिस्प्ले है। तो ओवरऑल इस डिस्प्ले पर चाहे कंटेंट देखें, कैसे भी इस्तेमाल करें, कुछ पढ़े, तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये डिस्प्ले देती है। S22 अल्ट्रा के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो था उसका बैटरी बैकअप, बिकॉज ऑफ द थर्मल इश्यूज जो थोड़ा सा कम था। लेकिन वो इशू जो है यहाँ पर डेफिनेटली सॉल्व कर दिया गया है। ये फोन अच्छे खासे यूसेज के बावजूद भी 1 से ज्यादा दिन चल जाता है। मतलब अगर आप इसको सुबह चार्ज करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपको आराम से 30-35% की बैटरी मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से इस साइज के स्पेक लोडेड हार्डवेयर पर एक अच्छा बैटरी बैकअप है। तो अगर आप इस पर बहुत ज्यादा कंटेंट भी देखते हैं, इस बड़ी डिस्प्ले पर भी, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह का बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बैकअप है, तो बैटरी के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तारीफें बहुत हुई, अब बात करते हैं इस फोन की खामियों की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है स्पेशली ऑन द कैमरा ऐप, वो ये है कि जब भी आप इस फोन से कोई वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अगर आप कैमरा स्विच करते हैं तो उसके आउटपुट में आपको जर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जिस टाइम पर व्यूफाइंडर पर लेंस चेंज आप करेंगे फ्रॉम 1x टू 3x या फिर 3x टू 10x, तो वहां पर आपको एक जर्क देखने को मिलता है जो ट्रांजिशन के दौरान नॉर्मल रहता है, बट जैसे वो सेंसर चेंज करता है तो वहां पर आपको दिखेगा कि देयर इज अ जर्क, जो मेरे हिसाब से व्यू फाइंडर पर या फिर जिस टाइम पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पर बनता है उस जर्क का दिखना, लेकिन जब आप आउटपुट देख रहे हैं वहां पर उसको मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है और उसको ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन दिखाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो अपडेट के बाद शायद से ठीक कर दे सैमसंग, क्योंकि इससे पहले तो शायद से लेंस चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं था, वो शायद से सैमसंग ने ठीक कर दिया और ये अपडेट के बाद मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। फ्रंट कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है वही मुझे थोड़ा सा कम लगा है कंपटीशन से, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप सेल्फीज लेते हैं, ग्रुप सेल्फीज लेते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा सा कम लगता है, और अगर आप कोई पोर्ट्रेट वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा कम फील होता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बेहतर रहता। अगली चीज़ वो है जिसकी मैंने पहले तारीफ करी है और मैं उसकी अब थोड़ी सी कमी निकालने वाला हूँ, वो है डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर 8-bit पैनल है ना कि 10-bit पैनल है। तो अगर ये 10-bit होता तो आपको बहुत ही ज़्यादा विविड कलर्स देखने को मिलते हैं। ये ऑलरेडी अच्छा पैनल है सैमसंग की तरफ से, लेकिन वी ऑल नो कि 10-bit स्पेक्स में भी अच्छा दिखता है और कलर्स ज़्यादा अच्छे से दिखा पाता है। तो अगर वो 10-bit होता तो ज़्यादा बेहतर रहता और यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब फीचर्स जो है कॉम्पिटिशन बोलूँ या फिर इससे नीचे प्राइस टैग वाले फ़ोन्स में भी अवेलेबल है, तो ये स्पेक्स वाइज अगर यहाँ पर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले है आपको निराश नहीं करती है, मैंने जैसा आपको पहले बताया, तो कंटेंट देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट 10-bit होता तो बेहतर रहता। तो अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर क्या ये आईफोन को टक्कर दे सकता है, उस एस्पिरेशन को टक्कर दे सकता है, तो जी हाँ, आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं और ये डेफिनेटली उस थॉट को टक्कर देता है कि आईफोन्स आर द बेस्ट और वर द बेस्ट। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही कमाल का क्राफ्टमैनशिप मिलता है, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन मिलता है, लुक्स मिलते हैं, प्रीमियम फील मिलती है और साथ ही बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फ़ोन कॉन्फिडेंस देता है जब आप इसे होल्ड करते हैं, आपको लगता है कि आपने एक प्रीमियम पीस ऑफ आर्ट पकड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है इस प्राइस पॉइंट पर, लेकिन आप मुझे कमेंट्स बताना कि आपके हिसाब से क्या, अगर आपको इतना पैसा मिलता है तो क्या आप एक आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदेंगे या फिर सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, मुझे कमेंट जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।